नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का मुकाबला खेला जाएगा हैदराबाद और पंजाब के बीच में। जी हाँ, आज ये डबल हेडर मुकाबला है, जो कि पहला मैच है हैदराबाद पंजाब के बीच में। अगर आप देखें आज के मैच का जो इम्पोर्टेंस क्या रहने वाला है, आज जो मैच होने वाला है हैदराबाद पंजाब के बीच में, तो इसमें मस्ट विन गेम रहने वाला है हैदराबाद के लिए। अगर पॉइंट टेबल के हिसाब से आप देखोगे तो हैदराबाद को आज ये मैच अगर जीतते हैं तो 3 नंबर, अभी तक ये जो इनका पोजीशन है वो 3 नंबर पर है, लेकिन अगर आज ये मैच जीते हैं तो ये 17 पॉइंट के साथ यहाँ पर 2 नंबर के पोजीशन में जा सकते हैं, और दूसरे पे डिपेंड रहेंगे क्या ये वन आर टू के जो इनका पोजीशन है प्लेऑफ्स का, उस पर रह पाते हैं नहीं पाते हैं। लेकिन आज का मैच इनके लिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इससे ये यही साफ होगा कि ये दूसरे नंबर के पायदान पे भी जा सकते हैं अगर आज का मैच ये जीतते हैं, क्योंकि इनके 17 अभी तक जो है इनके पॉइंट्स जो बात कर लेते हैं 15 पॉइंट्स हैं। अगर आज का मैच जीते हैं तो ये सीधे यहाँ पे 17 पॉइंट के साथ में 2 नंबर जाएंगे, जहाँ पर राजस्थान रॉयल्स काबिज है जो कि 16 पॉइंट के साथ में, जो कि यहाँ पर जो दूसरा मैच है डबल हेडर का उसका मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के बीच में है। तो वहीं अगर दोनों टीमों के बीच में यहाँ पे अगर केकेआर आज जीती है और इधर हैदराबाद जीती है, तो यहाँ बताते हैं केकेआर नंबर एक पे और दूसरे नंबर पर हैदराबाद पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे हैदराबाद के लिए अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू आप देखोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच रहने वाला है, तो अगर आप मस्ट विन गेम रहने का हैदराबाद का, तो आज हम इस मैच के यहाँ पे प्रेडिक्शन करने वाले हैं। माई 11 सर्कल पर मेगा कॉन्टेस्ट की टीम बनाने वाले हैं, तो चलिए टीम बना लेते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि यहाँ का पिच रिपोर्ट क्या शो कर रहा है। अगर हम देखें पिच रिपोर्ट की बात करें तो ये मैच जो हो रहा है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में हो रहा है, यानी कि ये सनराइजर्स हैदराबाद का होम ग्राउंड रहने वाला है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे पिच रिपोर्ट क्या शो कर रहा है, तो बैटिंग पिच है, पेसर्स को मदद मिलेगा, बारिश की इस मैच में भी संभावनाएं 90% शो कर रही है, यानी कि पिछला मैच भी बारिश से ही धुला था हैदराबाद का, ये मैच भी बारिश से ही धुलने के चांसेस ज़्यादा है, मैच रद्द होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें बारिश को छोड़ के, यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज रन स्कोर की बात कर लेते हैं, 203 का एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर आपको शो करेगा, यहाँ पे सेकंड इनिंग आप देखना चाहोगे तो 190 का यहाँ पे शो कर रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वेन्यू विंस की बात करें तो बैटिंग फर्स्ट वाली जो टीम है उसके 60% जीतने के चांसेस रहते हैं, जो बैटिंग सेकंड टीम रहती है यहाँ पे 40% उसको जीती, यानी कि जो भी टॉस जीता है पहले बल्लेबाजी का ऑप्शन सेलेक्ट करता है, तो यहाँ पे हाई स्कोर यहाँ पे खड़ा कर सकता है, जैसे कि 203 रन यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का शो कर रहा है, तो अप्रॉक्स यहाँ पे 210 या 215 के आसपास स्कोर जाने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे टॉप बैटर्स की, टॉप बैटर्स में आपको यहाँ पे दिखेंगे हैदराबाद की तरफ से राहुल त्रिपाठी, नीतीश रेड्डी, वहीं अगर हम देखें यहाँ पे पंजाब की तरफ से शिखर धवन अगर टीम में रहते हैं तो इनके माइट चांसेस नहीं है कि इतनी ज़्यादा टीम में अवेलेबल रह पाए, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर शशांक सिंह आप देखने को मिल सकते हैं। बॉलर की बात कर लेते हैं, मयंक मार्कंडे, भुवनेश्वर कुमार आपको दिखेंगे यहाँ पे टॉप बॉलर्स में हैदराबाद की तरफ से। अगर हम पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, यहाँ पे अर्शदीप सिंह और नेथन एलिस आपको यहाँ पे दिखेंगे बॉलर में। प्लेइंग 11 की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए ओपन करते हुए नजर आएंगे हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, 3 नंबर पर आपको नीतीश रेड्डी, हैंड्रिस क्लासन 4 नंबर पर, 5 नंबर अब्दुल समद, और 6 नंबर पर आपको यहाँ पे शहबाज अहमद दिखने वाले हैं। वहीं बात करें यहाँ पे 7 नंबर पर चेंजेस कर सकते हैं, समवीर सिंह यहाँ पे आपको दिखेंगे, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव नाटकर, 3 नजर यहाँ पे पेस अटैक को लीड करते नजर आएंगे। पंजाब की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए प्रभसिमरन सिंह, अथर ताड़े यहाँ पे दिखेंगे, अथर ताड़े किस लिए दिखेंगे, यहाँ पे जो जॉनी बेरेस्टो हैं अपनी कंट्री वापस जा चुके हैं, शशांक सिंह और अली रसो यहाँ पे 3 और 4 नंबर पर खेल सकते हैं, सिकंदर अजय को भी एंट्री मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो सैम कुरन वापस जा चुकी है अपनी कंट्री, जितेश शर्मा, आशुतोष शर्मा यहाँ पे आपको दिखेंगे 6 और 7 नंबर, हरप्रीत बराद और हर्षल पटेल आपको 8-9 पर, नथन इलिस और राहुल चेहर आपको यहाँ पे 10 और 11 दिखेंगे। हेड टू हेड की बात कर लेते हैं, टोटल यहाँ पे 3 मैच खेलेंगे जिसमें से 2 मैच हैदराबाद, 1 मैच यहाँ पे पंजाब किंग्स जीती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए टीम की बात कर लेते हैं, हमारे पास विकेट कीपर की बात कर लें, सबसे पहले टीम क्रिएट कर लेते हैं। विकेट कीपर में हमें जो ऑप्शन मिलने वाला है, हैंड्रेस क्लासिन है, सिमरन सिंह है, जितेश शर्मा, अब इनमें से जॉनी बेरस्टो देखिए अवेलेबल नहीं है, वो अपनी कंट्री वापस जा चुके हैं। अब बात करें यहाँ पे जो मैच खेला जा रहा है हैदराबाद की बात करें, तो हैदराबाद से हम यहाँ पे हैंड्रेस क्लासिन को टीम में ऐड करते हैं और सिमरन सिंह यहाँ पे हमने पंजाब किंग्स से ऐड कर लिया, तो 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। सिमरन सिंह आपको यहाँ पे 3 या 4 नंबर बल्लेबाजी करते हुए देख सकते हैं। बैटिंग की बात करें यहाँ पे देखिए बैटिंग में यहाँ पे ट्रेविस हेड को अपनी टीम में रखना है, शशांक सिंह, ये 2 हमें ऑप्शन पर टीम में रखना है, एडन माक्रम अगर टीम में अवेलेबल होते हैं तो हम एडन माक्रम को ऐड करेंगे, लेकिन अभी चांसेस कम बन रहे हैं इनके, रैली रसो को अपनी टीम में ऐड करते हैं, तो ये हम यहाँ पे प्लेयर लेके चलते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में आपको प्लेयर मिलने वाले हर्षल पटेल हो जाएंगे, अभिषेक शर्मा, पैट कमिंग, टॉप 3 प्लेयर यहाँ पे नीतीश रेड्डी को भी ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4 प्लेयर हमने ले रखा है यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन से। अभी 2 प्लेयर का ऑप्शन हमारे पास और बचता है, अब 2 प्लेयर कौन से लेने हैं ये भी आपको बताते हैं। 2 प्लेयर में हमें एक तो यहाँ पे अर्शदीप सिंह को रख रहे हैं अपनी टीम में, या आप राहुल चहर को ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अर्शदीप सिंह और टी नटराजन को ऐड कर रहे हैं, तो ये 2 प्लेयर के साथ चलते हैं। हम यहाँ पे टीम बना लिए हैं, एक बार कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं, उसके बाद प्रीव्यू करते हैं टीम की। तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, आज के मैच में कैप्टन का ऑप्शन जो हम सेलेक्ट करने वाले हैं यहाँ पे ट्रेविस हेड को कैप्टन, और वाइस कैप्टन आज के मैच में हम बताते हैं आपको, आज का जो हमारा वाइस कैप्टन का ऑप्शन रहने वाला है, वाइस कैप्टन यहाँ पे
अभिषेक सिंह को बना रहे हैं, अभिषेक शर्मा को बना रहे हैं। यहाँ पे प्रीव्यू करके देखते हैं किस प्रकार से टीम क्रिएट हुई। अभी देख सकते हो आप विकेट कीपर में हैनेस क्लासन, सिमरन सिंह आपको दिखेंगे। वहीं अगर हम बात कर लें बैटिंग सेक्शन में, ट्रेविस हेड, शशांक सिंह और राइली रसो तीन ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें से ट्रेविस हेड हैदराबाद से और दो हमने पंजाब किंग्स से रखे हुए हैं। हर्षल पटेल आपको यहाँ पे ऑलराउंडर में दिखेंगे, बाकी तीन आपको टॉप बैटर जो है टॉप ऑलराउंडर यहाँ पे आपको दिखेंगे हैदराबाद से। बॉलर आप देख सकते हो टी नटर हर्षदीप सिंह को रखा हुआ है। तो टीम इस प्रकार से क्रिएट की हुई है। अभी करना है कि आपको सेम टीम को सेव कर लेना है कैप्टन वाइस कैप्टन के आप साथ में, जैसे लाइनअप आउट होता है आपके परफेक्ट विनिंग कॉम्बिनेशन वाली एज एसडी जैसे डेली करते हैं हम लोग, वैसे आपको वहाँ पर अपलोड की जाएगी और आप यहाँ पे अच्छी खासी विनिंग करने वाले हो। तो आपको टेलीग्राम चैनल मेरा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल गया, वहाँ पर जाकर फटाफट आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। अगर आप यहाँ पे अच्छी खासी विनिंग करना चाहते हैं, अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हैं माइलेवन सर्कल से, टेलीग्राम से जरूर जुड़ना है आप लोगों को।